जय श्री राम। डिक्टेशन स्टार्ट। कर्नाटक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच का फैसला न तो कोई राह दिखाता है न ही समस्या का निदान करता है, बल्कि इस फैसले से दल बदल विरोधी कानून दंत विहीन हो गया है और लोलुप जन प्रतिनिधियों को मनमानी करने की छूट मिलेगी। एक तरफ विधायकों को इस्तीफे के बाद विधानसभा में विश्वास मत के वक्त उपस्थित न रहने की छूट और वह भी पार्टी द्वारा तीन लाइन का व्हिप जारी होने के बावजूद दल बदल को और बढ़ावा देगा और दूसरी और अदालत द्वारा यह कहना कि स्पीकर को यह कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता अपने आप में विरोधाभासी है।
ऐसे दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं जब इसी कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए फैसले दिए धन पद लोलुपता के तांडव के कारण दल बदल विरोधी कानून 1986 में लाया गया और फिर उसे और सख्त बनाते हुए 2003 में संशोधन किया गया। आम तौर पर कोई विधायक या सांसद दसियों साल पार्टी में रहने के बाद टिकट पाकर चुनाव जीतता है, अचानक सत्ता सुख उसके हिसाब से न मिलने पर या मिलने की प्रत्याशा में वह इस्तीफा दे देता है। यह कहते हुए कि नेतृत्व में दोष है या विचारधारा गलत है। स्टॉप।
स्टार्ट। कर्नाटक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच का फैसला न तो कोई राह दिखाता है न ही समस्या का निदान करता है, बल्कि इस फैसले से दलबदल विरोधी कानून दंतविहीन हो गया है और लोलुप जनप्रतिनिधियों को मनमानी करने की छूट मिलेगी एक तरफ विधायकों को इस्तीफे के बाद विधानसभा में विश्वास मत के वक्त उपस्थित न रहने की छूट और वह भी पार्टी द्वारा 3 लाइन का विहिप जारी होने के बावजूद दल बदल को और बढ़ावा देगा और दूसरी ओर अदालत द्वारा यह कहना कि स्पीकर को यह कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता अपने आप में विरोधाभासी है। ऐसे दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं जब इसी कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए फैसले दिए, धनपद लोलुपता के तांडव के कारण दल बदल विरोधी कानून 1986 में लाया गया और फिर उसे और सख्त बनाते हुए 2003 में संशोधन किया गया। आम तौर पर कोई विधायक या सांसद 10 साल पार्टी में रहने के बाद टिकट पाकर चुनाव जीतता है, अचानक सत्ता सुख उसके हिसाब से न मिलने पर या मिलने की प्रत्याशा में वह इस्तीफा दे देता है। यह कहते हुए कि नेतृत्व में दोष है या विचारधारा गलत है, अगले दिन वह मंत्री
पद की शपथ लेता है या नई पार्टी से 6 महीने में चुनाव जीतता है? क्या संवैधानिक संस्थाओं, खासकर सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी नहीं है कि इन विधायकों को सदन में उपस्थित होने या न होने या दल से इस्तीफा देने से या न देने के मौलिक अधिकार की आड़ में छिपने न दें? इस फैसले के बाद कुमार स्वामी सरकार का गिरना तय है। हाँ, स्पीकर इसकी काट में इस्तीफे को 3 लाइन के विहिप का उल्लंघन मानते हुए इसे दल बदल कानून का उल्लंघन करार दे और तब विधानसभा में बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले विधायकों के आधे से एक अधिक के लिए अपेक्षित समर्थन कम हो जाएगा और सरकार बच जाएगी। लेकिन ऐसा करके स्पीकर भी क्या पद की गरिमा बचा पाएंगे? फिलहाल सरकार को 4 वोटों की कमी है और सदस्यता खोने का डर 15 में से कम 4 विधायकों को उसके समर्थन में आने से रोक सकता है। लेकिन अगर विधायक अपनी योजना में सफल रहे और कुमार स्वामी सरकार गिर गई तो आने वाले दिनों में हर उस राज्य में जहां ऐसी संभावना बन सकती है यह खेल चलता रहेगा। फिर क्यों न दल बदल विरोधी कानून दफन कर दिया जाए? स्टॉप।
धन्यवाद।